Hello friends, welcome to our channel My Tech Mentor, a place where you get all information and tutorials about manufacturing processes, softwares, tools, applications and web portals just in a single click. So friends, आज की हमारी वीडियो है IMDS के ऊपर. आज हम IMDS के अंदर मटेरियल बनाना सीखेंगे और उस मटेरियल को फिर हम कंपोनेंट के अंदर डालेंगे, फिर उस कंपोनेंट को हम अपने कस्टमर को सेंड करेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और IMDS टाइप करेंगे. अब हम IMDS पे जाएंगे. IMDS हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमें IMDS के मेन पोर्टल पर पहुंच गए हैं. अब हम यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे. अब हम अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे. फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे. अब हमारा ये मेन पेज खुल चुका है IMDS का. अब हमें मटेरियल बनाना है तो मटेरियल के लिए हम यहाँ IMDS लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर सकते हैं. न्यू डेटा शीट और ये मटेरियल, और आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं. ये आपको एक पेपर टाइप दिख रहा है, ये न्यू का आइकन है, न्यू डेटा शीट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट, सेमी कंपोनेंट, मटेरियल. और इसी तरीके से आपको मॉड्यूल में भी दिखेगा कंपोनेंट, सेमी कंपोनेंट, मटेरियल. हम कस्टमर को भेजने के लिए हमेशा डेटा शीट का यूज़ करते हैं. डेटा शीट से हम कंपोनेंट बनाएंगे, उसके अंदर मटेरियल ऐड करेंगे. मॉड्यूल का इस्तेमाल हम सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए करते हैं, वो हम कस्टमर को नहीं भेज सकते, इसलिए हम डेटा शीट में ही हम ज़्यादातर कंपोनेंट्स बनाते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. न्यू डेटा शीट एंड देन मटेरियल. हमें कंपोनेंट बनाने के लिए पहले मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पहले मटेरियल बनाएंगे. तो मटेरियल के लिए हम कंपोनेंट बनाने के लिए पहले हमें मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए हम पहले मटेरियल बना रहे हैं. तो हमने जब क्लिक किया तो हमारे सामने ये पेज खुल गया है. तो अब हम यहाँ से अपना मटेरियल सेलेक्ट करेंगे. हमारा मटेरियल क्या है, हम CR2 शीट बनाने जा रहे हैं. तो CR2 शीट जो है हमारी स्टील के अंदर आती है, तो हम स्टील का क्लासिफिकेशन स्टील है, तो हम स्टील पर क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे. अब हमारा ये मटेरियल शीट खुल गई है. अब हम इसके अंदर बेसिक सब्सटेंसेस ऐड करेंगे, जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं. उससे पहले हम मटेरियल का नाम वगैरह सारी चीज़ें लिख देंगे. अब हम मटेरियल का नेम लिखेंगे CR1. ये हमारी शीट CR1 है, तो हम CR1 नेम लिखेंगे. ट्रेड नेम में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ से आपका आ रहा है, या फिर आप कोई दूसरी चीज़, जो भी आप स्टैंडर्ड वगैरह कुछ रखना चाहते हैं. अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई इशू नहीं है. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो ये रेड मार्क के बॉक्सेस हैं वो सारे भरे हों, ये रेड मार्क, और यहाँ आपका क्लासिफिकेशन सेलेक्ट हो. तो हमने नाम लिख दिया. इंटरनल मटेरियल नंबर भी हम कुछ ले सकते हैं, जैसे आप कंपनी के अंदर उस मटेरियल के लिए कुछ इंटरनली नंबर देना चाहते हैं तो इंटरनली भी दे सकते हैं. जैसे हमने ये दे दिया CR1-1. ओके, तो हम स्टैंडर्ड मटेरियल नंबर देंगे. आप स्टैंडर्ड मटेरियल नंबर के अंदर ये किस स्टैंडर्ड का है, जैसे IS स्टैंडर्ड है या AISI स्टैंडर्ड है, तो इस तरीके का कोई सा भी स्टैंडर्ड आप डाल सकते हैं. और उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी और दूसरा CR से रिलेटेड भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया CR01-00. ये मैंने स्टैंडर्ड मटेरियल डाल दिया नंबर. ये हमारे लिए स्टैंडर्ड मटेरियल नंबर है कि हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया, और हमारे जितने भी मटेरियल आएंगे हम उनको इसी स्टैंडर्ड से असाइन करेंगे. अब उसके बाद ये क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन हमने पहले ही सेलेक्ट कर दिया था, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका क्लासिफिकेशन गलत है तो आप यहाँ से जाकर भी चेंज कर सकते हैं. अब हम इस पर
चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ से जाकर जैसे कि हमने 1.1 सेलेक्ट किया था, अब हम 1.1.1 सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो आपने देखा ये यहाँ पर चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली रिलीज करने के बाद क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होगा। इसलिए इंटरनली रिलीज़ करने से पहले जितने भी मटेरियल कंपोनेंट, बेसिक सब्सटेंसेस हो, क्लासिफिकेशन हो, नेम हो, जो कुछ भी वो आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आप इंटरनल रिलीज़ कीजिए। एक बार इंटरनल रिलीज़ करने के बाद आपका मटेरियल एडिट नहीं होगा। तो हम दोबारा से जाके इसे पहले की तरह चेंज कर देते हैं। हम गए 1.1 पे, हमने अप्लाई कर दिया। अब नीचे आ गया नॉर्म स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पर हम अपने कस्टमर का स्टैंडर्ड भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्लस मार्क पर क्लिक करेंगे। अब क्या है, कंपनी पब्लिक नॉर्म्स, और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे OEMs के नाम आ रहे हैं। हम किसी भी OEM पे क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्स इसके अंदर आ जाएगी। जैसे हमने सुजुकी मोटर पे क्लिक कर दिया, अब सुजुकी मोटर्स के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके नेम्स आ जाएंगे, स्टार्टिंग के नेम्स SESD, SESN। तो इस तरीके के स्टैंडर्ड वो अपने सप्लायर्स के लिए प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद हम यहाँ पर नॉर्म कोड स्टैंडर्ड का नंबर क्या है वो डालेंगे और ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब आप नीचे यहाँ अपने सप्लायर का नाम भी डाल सकते हैं, और रिमार्क्स में भी आप मटेरियल के बारे में कुछ लिख सकते हैं कि किस क्या क्या चीज़ें हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी, वो सारी चीज़ें, टेंसल स्ट्रेंथ वगैरह हो गया, एलोंगेशन वगैरह आप रिमार्क्स में डाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि इसके अंदर कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ अपने मटेरियल की ना डालें। यहाँ पे लिखा है डू नॉट पुट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इन दिस फील्ड बिकॉज इट विल बी विजिबल इन द सप्लाई चेन। आप जहाँ पर भी भेजेंगे ये रिमार्क्स विजिबल होगा, इसलिए यहाँ पर कभी भी कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ ना डालें। तो यहाँ तक तो हमने फिल कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिक सब्सटेंस डालेंगे। मटेरियल के अंदर जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं वो तो आपको पता ही होगा क्या क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि CR1 है, CR1 में हमारे मेनली कार्बन, मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फोरस पाए जाते हैं, और रेस्ट जो होता है वो हमारा आयरन होता है। तो यही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ CR1 लिखा हुआ है इसके ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, और ये हमारा आ गया यहाँ पर सबसे लास्ट में बेसिक सब्सटेंस। तो हम क्या करेंगे, बेसिक सब्सटेंस पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारी सब्सटेंस सर्च करने के लिए एक विंडो खुल गई है। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिक सब्सटेंस सर्च मारेंगे जो हमारा यूज़ हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जब भी आपको बेसिक सब्सटेंस डालने हो तो आप स्टैंडर्ड ले लें। स्टैंडर्ड मीन जो आपके कस्टमर ने आपको प्रोवाइड किया है, या फिर जो आपका लोकल स्टैंडर्ड है। ड्राइंग में आपको मेंशन किया होगा कि जो मटेरियल है वो कौन से स्टैंडर्ड से है। लोकल स्टैंडर्ड है कि आपके कस्टमर ने आपको कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड दिया है कि आपको सिर्फ उन्हीं का स्टैंडर्ड फॉलो करना है। और या फिर जो आप अपने कस्टमर को सप्लायर TC भेजते हैं, मटेरियल TC, जो आपके सप्लायर ने आपको TC भेजा है उसके अंदर भी आपका सारा कंपोजिशन मेंशन होता है, तो आप उस कंपोजिशन को भी एज्यूम कर सकते हैं। उसके अंदर जो परसेंटेज लिखी होती है वही आपको इस IMDS के मटेरियल में डालनी है। तो सबसे पहले आप यही करें कि अपने सामने एक स्टैंडर्ड का प्रिंट निकाल के रख लें और उसके अंदर देख लें कि कार्बन की कितनी परसेंटेज है, मैग्नीशियम की कितनी परसेंटेज है, सल्फर की कितनी परसेंटेज है, और जो भी जितने भी बेसिक सब्सटेंसेज हैं उनकी कितनी कितनी परसेंटेज उस मटेरियल के अंदर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे कार्बन, उसके बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे। अब ये देखा आपने, यहाँ पे कार्बन शो हो गया है C, हमने सेलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया। ओके, अब कॉमन इन्फॉर्मेशन तो हमारी पहले से ही भर के आ गई है क्योंकि ये GADSL की तरफ से अपलोड किया गया है।
अब उसके बाद हमें क्या भरना है, हमें भरना है अमाउंट एंड वेट्स। तो आपने देखा पोर्शन, पोर्शन के अंदर फिक्स, फ्रॉम टू और रेस्ट। फिक्स के अंदर आप एक वैल्यू आ जाएगी कि आपका बेसिक सब्सटेंस फिक्स है कि 0.1% आपका कार्बन है। लेकिन आपने देखा होगा कि वेरिएशन आता रहता है, आप हर प्रोडक्शन के लॉट के साथ टीसी नहीं भेज सकते। टीसी की वैलिडिटी बहुत सी कंपनीज़ में 3 महीने, 6 महीने जो भी होती हैं, तो उसमें आपका मटेरियल आता रहता है, तो मटेरियल के कार्बन कंपोजिशन वगैरह में जितने भी बेसिक सब्सटेंस होते हैं इनमें वेरिएशन होता है। इसलिए आप, मेरी जो सलाह यही है कि आप फ्रॉम टू सेलेक्ट करें। इससे क्या होगा, आप एक वेरिएशन डाल देंगे फ्रॉम टू, तो क्या होगा आपका जितना भी मटेरियल होगा वो इस फ्रॉम टू के बीच में, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में एडजस्ट हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, हमेशा आपका IMDS करेक्ट रहेगा। अगर आप फिक्स कर देंगे, अगर मान लिया आपने फिक्स कर दिया और उसके बाद आप कोई मटेरियल हुआ उसमें टेस्टिंग के अंदर वो कंपोजिशन ज़्यादा निकल गया या आपके बताए हुए से कम निकल गया, तो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको हो सकता है कि सप्लाई चेन की तरफ से कोई इशू भी बन जाए। इसलिए आप हमेशा फ्रॉम टू में वेरिएशन में ही लीजिए मिनिमम मैक्सिमम। तो हम डालेंगे यहाँ पर, ये 0.0 हो गया, वो CR1 के अंदर कार्बन परसेंटेज है मैक्सिमम 0.12, तो हम इसे ओके कर देंगे। अब हम दूसरा बेसिक सब्सटेंस ऐड करेंगे, उसके लिए हम दोबारा से CR1 पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे बेसिक सब्सटेंस, क्लिक कर दिया। अब हम पहले की तरह नेम के अंदर हम डालेंगे मैगनीज, अब हम सर्च पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा मैगनीज आ गया MN, अप्लाई कर देंगे। अभी हमारा मैगनीज यहाँ पर आ चुका है, तो हम इसके लिए भी सेट करेंगे। पोर्शन हमारा हम पहले की तरह रखेंगे फ्रॉम टू, और इसकी वैल्यू है 0.02 0.5, एंटर। ये हमारा मैगनीज भी ऐड हो गया। अब हम दोबारा से CR1 पर जाएंगे, राइट क्लिक, ऐड एंड बेसिक सब्सटेंस। अब हम नेम में दोबारा से वैल्यू डालेंगे सल्फर, अब हम नेम डालेंगे सल्फर और सर्च पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा सल्फर आ गया, सल्फर पर सेलेक्ट किया, अप्लाई। अब हम सल्फर की वैल्यू डालेंगे, एंटर। हमारा सल्फर ऐड हो गया। अब उसके बाद CR1 पर जाएंगे, राइट क्लिक, ऐड बेसिक सब्सटेंस। अब हम नेम में डालेंगे फॉस्फोरस, सर्च पे क्लिक करेंगे। ये हमारा फॉस्फोरस, और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब हम इसकी वैल्यू डालेंगे 0.02 0.04, एंटर। अभी हमारे बेसिक सब्सटेंस 4 ऐड हो चुके हैं। अब इसमें जो है हमारा आयरन बचा हुआ, तो हम आयरन ऐड करेंगे, CR1 पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ऐड बेसिक सब्सटेंस। अब हम नेम डालेंगे आयरन, आयरन पे क्लिक किया, अप्लाई। आयरन जो हमारा है ये बेस सब्सटेंस है इसका, तो ये हमारा रेस्ट हो जाएगा। हम रेस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो जितना भी परसेंटेज बचा होगा वो आयरन, आयरन में आ जाएगा। ओके, तो हमारा ये मटेरियल रेडी हो चुका है, सारे बेसिक सब्सटेंस ऐड हो चुके हैं इसके अंदर। तो अब हम एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे इसको कि सारी वैल्यूज़ हमने भर दी हैं कि नहीं भरी हैं। नेम ऐड कर दिया है, इंटरनल मटेरियल नंबर और स्टैंडर्ड मटेरियल नंबर, क्लासिफिकेशन ओके,
और हमने बेसिक सब्सटेंस भी इसके सारे ऐड कर दिए हैं। तो अब आगे जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सप्लाई डेटा पे क्लिक करेंगे। अब हम कॉन्टैक्ट पर्सन ऐड करेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेम पे क्लिक किया और उसके बाद हम गए रिसिपिएंट डेटा पे। यहाँ पे हम इंटरनल रिलीज पे क्लिक करेंगे। अब हमारा मटेरियल एक बार चेक हुआ है, दी MDS सक्सेसफुली पास्ड ऑल चेक्स। ओके, तो हमारा जो MDS है ये हमारा सक्सेसफुली पास हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसे इंटरनली रिलीज़ कर देंगे। ओके, तो हमारा जो मटेरियल है वो हमारा इंटरनल रिलीज़ हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस मटेरियल का यूज़ करके हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, फिर उस कंपोनेंट को हम अपने कस्टमर को भेजेंगे। तो हम कंपोनेंट बनाते हैं अपना, उसके लिए हम न्यू पे जाएंगे, दोबारा से न्यू डेटा शीट एंड कंपोनेंट। अब ये हमारा कंपोनेंट का पेज खुल चुका है। इस पे हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे अपने कंपोनेंट का। ये हमने नेम डाल दिया ब्रैकेट और पार्ट नंबर हमने ले लिया। ओके, ये हमारा पार्ट नंबर हो गया। अब ये हमारा है प्रीलिमिनरी MDS। तो हमें ध्यान रखना है कि हम इस पर टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा फाइनल MDS है। अब हम मेजर्ड वेट पर डालेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा पार्ट का फाइनल वेट है वो कितना है। आप या तो मेज़र कर सकते हैं, अगर आपकी ड्राइंग में मेंशन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर डाल देंगे 1000 ग्राम। यहाँ पे हम मिलीग्राम में भी ले सकते हैं, ग्राम में भी ले सकते हैं और केजी में भी ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में ये ग्राम में आता है क्योंकि मोस्टली पार्ट ग्राम्स वगैरह में ही होते हैं और कम पार्ट होते हैं जो केजी वगैरह में बड़े पार्ट होते हैं। ज़्यादातर पार्ट्स हमारे ग्राम में होते हैं और वैल्यूज़ जो होती हैं वो ग्राम में ही कंसीडर की जाती हैं, इसलिए आप ग्राम पर ही रहने दें और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। अब हम इसके अंदर, जैसे कि हमारे ये ब्रैकेट है, इसके अंदर हमारे दो ब्रैकेट और ऐड हो रहे हैं जो हमारे स्पॉट वेल्डिंग हो, मिग वेल्डिंग हो या किसी दूसरे प्रोसेस से आपस में जुड़ रहे हों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कंपोनेंट डालेंगे और फिर उसके अंदर मटेरियल डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड पर जाएंगे और कंपोनेंट। अब आप यहाँ पर कंपोनेंट में देख रहे हैं रेफरेंस और नोड। अगर आप रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आप पार्ट नेम डाल सकते हैं, जो भी आपने पहले से बना रखा हो। अगर आपने बना रखा है तो यहीं से आप उसे सर्च करके ऐड कर सकते हैं। और अगर नहीं कर रखा है तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड कंपोनेंट और नोड। नोड का मतलब है कि आप यहीं पर एक कंपोनेंट बनाएंगे और फिर उसमें मटेरियल ऐड करेंगे। तो ये आपका शॉर्टकट तरीका है जिसकी मदद से आप IMDS को बहुत जल्दी बना सकते हैं। आपको पहले कंपोनेंट बना के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक शीट बनाएं जिसके अंदर आपने पहले ही पूरा बॉम बना रखा हो अपने कंपोनेंट का, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर मटेरियल और सेमी कंपोनेंट जो भी हो आपके वो ऐड करते चले जाएँ। तो हम नोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट का नाम डालेंगे हो गई हमारी ब्रैकेट ए, और इसका नंबर हो गया और इसकी क्वांटिटी हो गई है हमारी 1 और इसका वेट हो गया हमारा 300 ग्राम। अब हमें इसमें मटेरियल ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी कंपोनेंट पर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और फिर मटेरियल डालेंगे। आपको फाइनल पार्ट पे नहीं जाना है, फाइनल पार्ट पे अगर आप जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और फिर मटेरियल ऐड करेंगे, तो इस फाइनल पार्ट में मटेरियल ऐड होगा और आपको वो नहीं करना है। आपको कंपोनेंट के अंदर मटेरियल ऐड करना है जो इसका चाइल्ड पार्ट है। तो आप इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद मटेरियल।
अब हमने जो मटेरियल बनाया था CR, सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या आ गया, ये CR1 आ गया। तो हमारा ये मटेरियल यूज़ हो रहा है इसके अंदर, तो हमने सेलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया, हमारा मटेरियल ऐड हो गया। अब हम इसका वेट डालेंगे 300 ग्राम। अब हम रिसाइक्लेट सेलेक्ट करेंगे, नो, क्योंकि हमारा ये मटेरियल किसी भी रिसाइकल प्रोडक्ट को यूज़ करके नहीं बनाया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट पे वापस जाएंगे फाइनल, और उसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और दोबारा से कंपोनेंट एंड नोड। अगर हमें कोई कंपोनेंट ऐड करना है तो हम फाइनल पार्ट पर जाएंगे, कोई मटेरियल ऐड करना है और वो सब कंपोनेंट का हिस्सा है तो हम सब कंपोनेंट पे मटेरियल ऐड करेंगे। तो हम इसका पार्ट नेम डालेंगे, अब ब्रैकेट बी, क्वांटिटी है इसकी 1 और वेट आ जाएगा इसका 700 ग्राम। अब हम मटेरियल ऐड करेंगे इसके लिए भी, मटेरियल इसमें भी हमारा सेम मटेरियल यूज़ हो रहा है तो हम वही डालेंगे। सर्च पे क्लिक करेंगे, मटेरियल सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। अब हम इसका वेट डालेंगे और सेम रिसाइक्लेट यहाँ पर भी वही सेलेक्ट करेंगे, नो। अब हमारा एक ये स्मॉल कंपोनेंट है जो हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम फाइनल पार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लास्ट में ये देख रहे हैं डेविएशन, ये 0% है। ये डेविएशन हर अलग अलग कस्टमर का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। बहुत से कस्टमर 2% बोलते हैं, बहुत से कस्टमर वेट के हिसाब से वेरी करते हैं, 1%, 2%, 3%। ज़्यादा भारी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें 5% तक भी डेविएशन अलाउ होता है। तो आप अपने कस्टमर का स्टैंडर्ड पढ़ें, उसके हिसाब से आप डेविएशन देखें। अगर डेविएशन में कोई दिक्कत आती है आप फिर अपना MDS दोबारा से चेक करें, आपने कहाँ गलती करी, आपने कोई वेट ऐसा तो नहीं कि आपने जो ये आपका कंपोनेंट है इसमें आपने वेट डाल दिया, आप मटेरियल में डालना भूल गए, या आपने मटेरियल में डाल दिया आप कंपोनेंट में डालना भूल गए। तो ध्यान रखें, आप मटेरियल और कंपोनेंट दोनों के अंदर वेट डालें, जिससे आपका डेविएशन वाला इशू रेज नहीं होगा। तो हमारा ये कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को अपने कस्टमर को भेजेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे सप्लायर डेटा पे, कॉन्टेक्ट पर्सन, ओके। अब हम दोबारा से रेसिपिएंट पे जाएंगे और इंटरनल रिलीज़ करेंगे इसे, और रिलीज़ इंटरनल पे क्लिक किया। अब हमारा MDS चेक हुआ और ये हमारा पास हो चुका है। तो हमारा रिज़ल्ट दिखाएगा ये, दी MDS सक्सेसफुली पास्ड ऑल चेक्स, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसे इंटरनल रिलीज़ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये अपने कस्टमर को भेजना है। तो हम अपने कस्टमर को ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ऐड रेसिपिएंट लिखा आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ये विंडो खुल के आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, कंपनी ID डालेंगे। तो आप अपने कस्टमर का नाम भी डाल सकते हैं, ID भी डाल सकते हैं। ID से आपका प्रॉपर कस्टमर वही खुलेगा, नेम से हो सकता है कि 2-3 कस्टमर ने आपके उस तरीके के कस्टमर हो, उन्होंने बना रखी है ID, तो गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आप हमेशा कंपनी ID डाल के ही कस्टमर सेलेक्ट करें। तो हम डालेंगे, हमने डाला कंपनी ID और सर्च पे क्लिक किया। ओके, तो हमारी कंपनी आ चुकी है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सप्लायर कोड डालेंगे अपना, जो भी हमें मिला हुआ है। ये हमने अपना सप्लायर कोड डाल दिया, नेम डाल दिया। अब हम यहाँ पे पार्ट नंबर डालेंगे, ओके। तो हमारा हमने इंफॉर्मेशन भर दी है अपनी। अब हम क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे।
अगर आपके में सेंड का ऑप्शन विजिबल है तो आप सेंड भी कर सकते हैं, प्रपोज भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप प्रपोज पे क्लिक करें, एक बार दोबारा हमारा MDS चेक होगा तो सेम वही मैसेज दोबारा दिखाया है, दिया MDS सक्सेसफुली पास्ड ऑल चेक्स, तो हम प्रपोज कर देंगे इसे। अब हम क्या करेंगे, अपना भेजे हुए MDS का स्टेटस चेक करना, उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने आउटबॉक्स पे जाएंगे, जो ये ब्लू कलर का बॉक्स मार्क दिख रहा है आपको, ये आउटबॉक्स का, इस पर क्लिक करेंगे, MDS पे क्लिक करेंगे, और हमने जो भेजा है ये आप टिक ही रहने दें सारे, उसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करें। दिखा दिया, ये आपका MDS दिखा दिया जो हमने भेजा हुआ है। आप चाहें तो प्रॉपर नेम डाल के भी सर्च कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। तो ये हमारा अभी तक ब्राउज़ नहीं हुआ है, जब कस्टमर हमारा ऐसे चेक करेगा उसके बाद उनकी तरफ से जो रिज़ल्ट रहेगा एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और उसके लिए आपको एक सेपरेट मेल भी आएगी जो आपने इसमें रजिस्टर कर रखी होगी। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।